महाराष्ट्र में आज से कुछ दिनों बाद जो है पोला या त्यौहार मनाया जाएगा। नागपुर की एक अलग संस्कृति पोले को लेकर है, जिसे पीली मारबत और काली मारबत के नाम से जाना जाता है। पोले के दूसरे दिन यह उत्सव नागपुर में, यह लोक उत्सव नागपुर में मनाया जाता है। हम अभी गांधीबाग परिसर में है, जहाँ पर पीली मारबत बनाई जाती है। हर साल यह त्यौहार बड़ी ही धार्मिक परंपरा से मनाया जाता है। यह त्यौहार क्यों मनाया जाता है और किस तरह मनाया जाता है, इस बारे हम जानने आए हैं। पीली मारबत समिति के अध्यक्ष, जिनके साथ हम बात करेंगे, उनको पूछेंगे कि इस त्यौहार का महत्व क्या है, नागपुर की संस्कृति में इसका ये कब से आई और किस प्रकार से आई, किस उद्देश्य से आई और कब से यह त्यौहार मनाया जाता है। तो मुझे बताइए कि यह त्यौहार कब से मनाया जा रहा है, इसकी मान्यता कब से हुई है और इसका क्या महत्व है पोले के दिन। पीली मारबत ये आज 137 साल हो गए, 137 साल से ये परंपरा चल रही है। और पीली मारबत ये उत्सव विदर्भ में बोलो, पूरे हिंदुस्तान में एक ही ऐसा स्थान है कि जो नागपुर है। नागपुर का ये इतिहास मारबत कहीं नहीं निकलती और ये इतिहास पुरातन कालीन है और आज तक चल रही है। इसका उत्सव 1885 में इसकी स्थापना हुई थी, तब से ये परंपरागत निभा रहे हैं। और कुछ सालों से ये आम पब्लिक उसको देवी के रूप में मानते हैं और पूजा पाठ करके उसकी प्रतिक्रिया करते हैं, मन्नत मानते हैं, जो भी उनकी इच्छा रहती है वो करते हैं। अच्छा, तो ये जो मान्यता है वो किस लिए है, कब से शुरू हुई है, इसका उद्देश्य क्या था तब 1856 में जब ये शुरू हुई थी? इसका उद्देश्य यही था कि अब उस जमाने में पूर्वी काल में, यानी 125 साल पहले ईड़ा पीड़ा खांसी खोखला घेऊन जागे मारबत, ये इसका स्लोगन है। ये स्लोगन के माध्यम से कुछ लोगों का, जैसा बरसात होती है रोग राई आती है और उस चीज़ को लेके जा, जैसा अपन मंदिर में जाते हैं और मान्यता में हाथ जोड़ते हैं, उसी प्रकार का इसका है। और लोग ऐसा मानना है लोगों का कि ये मारबत जाने से सब अलाप अलाप सब निकल जाते हैं, ये दृष्टिकोण लोगों का आज तक रहा है। और इसी दृष्टिकोण से उसको कुछ सालों से, ये कम से कम 40 साल से लोग उसकी पूजा पाठ करते हैं। पहले इसकी पूजा पाठ नहीं करते थे, मगर अभी उसको देवी के रूप में लोग मानते हैं और उसके ऊपर श्रद्धा मन्नत मानते हैं। जो है वो आम जनता को मालूम है क्या है, क्या उनसे घटता है वो उनको मालूम है, उसके बारे में हम नहीं बता सकते। आज़ादी के लड़ाई में भी इसका उपयोग किया गया था, उसके भी एक मान्यता है, वो क्या है? आज़ादी के वक़्त ऐसा हुआ था कि उस टाइम अंग्रेज़ों का राज था और एक साथ आने की लोगों को परमिशन नहीं थी। और देश के इसमें चलने वाले आंदोलन में जो देश स्वतंत्र के लिए जो लड़ते थे, उसकी चार लोग जमने की परमिशन नहीं थी। परमिशन नहीं थी तो उस जमाने में जैसे महात्मा लोकमान्य तिलक ने गणपति बैठा के आम जनता को, समाज को एकत्रित किया और समाज को एक साथ जोड़ने की कोशिश किया, वही दृष्टिकोण ये मारबत का रहा। और तब से 1885 में स्थापना किया और वो स्थापना का कारण नहीं हुई था क्या, पूरा मोहल्ले वाले या आम नागरिक एक साथ जुड़े और इस आंदोलन को एक सहारा, सपोर्ट, ताकत मिले, इस दृष्टिकोण से ये पीली मारबत की स्थापना की थी और वो परंपरा आज तक चालू है। अभी कोरोना काल है, 2 साल से कोरोना है, फिर भी आप पिछले साल भी आपने ये त्यौहार मनाया, इस साल भी मना रहे हैं, तो कोरोना की वजह से इस त्यौहार में कोई समस्या आई है क्या, या फिर इसका लोक मान्यता है जो कम हुई है, लोगों की भीड़ कम हुई, लोगों की श्रद्धा कम हुई, ऐसा कुछ दिखाई दिया क्या? नहीं, लोगों की मान्यता कम नहीं हुई, इसकी मान्यता आगे और बढ़ेंगी और बढ़ रही है। और हम किसी को बुलाने नहीं जाते, लोगों की श्रद्धा जुड़ी हुई है, लोग खुद आते हैं यहाँ पे और हम किसी को अवसर नहीं देते, बुलाते नहीं, वो खुद बुलाती है अपनी मान्यता पूरी, जो भी चाहते हैं वो पूरा होता होगा उनका करके वो लोग आम जनता जुड़ती है। अभी हर साल जो है पीली मारबत और काली मारबत का मिलन होता है एक जगह पे, जहाँ पे लोगों की हज़ारों में भीड़ होती है। तो अभी ये कोरोना काल है, समय ये भीड़ ना हो, इसके लिए सरकार की तरफ से बहुत सी गाइडलाइन है, आप ये त्यौहार इतनी भीड़ नहीं होनी चाहिए, उसके लिए क्या कदम? नहीं, उसके लिए हमने देखो, आज भी तो आप देखोगे पूरे गेट लगे हुए हैं,
हमने गेट खोला नहीं है, हम बाहर के बाहर जो लोग बाहर से हाथ जोड़ के यहाँ से निकल जा रहे हैं उसको परमिशन दे सकते हैं, हम उसके बाद जाने की भी परमिशन नहीं दे रहे हैं। और इसलिए आम पब्लिक को ये किसी को अपन बोल नहीं सकते कि तुम हाथ मत जोड़ो, ये मंदिर है, मंदिर को हाथ जोड़ते हुए लोग जाते हैं। इसके लिए हम गवर्नमेंट की जो लगी हुई पॉलिसी है, जो भी नियम है, उस नियम को हम देखते हुए उस प्रकार से काम कर रहे हैं। सरकार के सभी गाइडलाइन का उपयोग कर रहे हैं ऐसा इनका कहना है, मगर जो है लोगों की भीड़ और श्रद्धा के कारण लोग हर साल यहाँ पे आते हैं और जो है पीली मारबत का दर्शन लेते हैं। हमारे साथ कुछ यहाँ के परिसर के लोग हैं जो हर साल इस पीली मारबत का दर्शन लेने आते हैं, उनका क्या कहना है ये जानेंगे। मुझे आप बताइए कि आप भी यहाँ पे दर्शन करने के लिए आए हैं, क्या मान्यता है यहाँ की, सामान्य लोग क्या सोचते हैं और क्यों यहाँ पे इतनी दर्शन करने के लिए इतनी भीड़ जमा होती है। देखिए, मारबत उत्सव अब नागपुर का लोक उत्सव बन चुका है, सबकी अपनी अपनी श्रद्धा है। मेरे घर वाले भी यहाँ ओटी भरने आते हैं तो मान्यताएँ पूरी होती है, हम जो मांगने आते हैं पूरी होती है, तो बस श्रद्धा जुड़ चुकी है। अब ये नागपुर का लोक उत्सव है, कोविड ड्यू टू कोविड अब जब मारबत उत्सव में मिलन होता था काली मारबत और पीली मारबत का तो बहुत अच्छा क्षण होता था, लेकिन ड्यू टू कोविड वैसा पिछले साल हो नहीं पाया। तो बस यही कहूँगा कि अब कोरोना को भी लेके चले जाए मारबत तो बहुत अच्छा हो जाएगा। व्यापारी लोग बहुत परेशान हैं, मैं भी बहुत परेशान हूँ, कई लोगों की नौकरियाँ चली गई हैं, बस इतना ही कहूँगा। हर साल किस तरह का यहाँ पे माहौल होता है, लोगों की भीड़ होती है या लोग ये त्यौहार मनाने आते हैं, आपको क्या लगता है? देखिए, यहाँ खड़े रहने की जगह नहीं होती है बिल्कुल, अब रात में भी आप आ जाओ तो खड़े रहने के हो सकता है जगह ना मिले, तो बस। और जब मिलन होता है तो इतनी भीड़ हज़ारों में भीड़ होगी, कम नहीं लेकिन ज़्यादा ही बहुत भीड़ होती है। पीली मारबत को लेकर बहुत सारी मान्यताएं हैं, हर साल हज़ारों महिलाएं यहाँ पे भीड़ इकट्ठी होकर बारी बारी से जो है पीली मारबत की पूजा करती है, उनको साड़ी ओटी ऐसा चढ़ाती है, क्यों ये चढ़ाती है, उसके पीछे का क्या मान्यताएं हैं हम जानेंगे। हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं, आप हर साल यहाँ पे पूजा करने आती हो, किस प्रकार की मान्यता है, किस तरह पूजा होती है पीली मारबत की? पीली मारबत से जो भी है परेशानियाँ वो सब दूर हो जाती है, माता की मान्यता इतनी है कि वो सब जो भी है प्रॉब्लम कोरोना की जो भी है वो सब ले जाए, और बहुत सालों से ये माताएं आती रहती है। आप कितने सालों से यहाँ पे पूजा करने आ रही हो और किस तरह पूजा होती है? यहाँ पर हम आते हैं जब से मेरा जन्म हुआ है तब से हम यहाँ पर आते हैं, दर्शन करते हैं, बहुत सारी मान्यता है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि दुख परेशानी सब दूर होती है यहाँ पर। हर साल यहाँ पे बहुत सारा माहौल होता है, लोगों की गर्दी होती है, वो जो मान्यता है कि ईड़ा पीड़ा लेकर जाओ ऐसा ये जो माता है उनको बोला जाता है, तो आपको क्या लगता है कि ये सब किस तरह का होता है? ये सब जो बोलते हैं वो सब सच होता है, जो भी बोलते हैं कि वो पेड़ वगैरह ले जाते हैं कि वो घिन जाके मरबत वगैरह, तो सब सही बात है। लोग बहुत से लोग हैं यहाँ पे मन्नतें भी मांगते हैं ऐसा भी है? वो सब मन्नतें पूरी भी होती है, सब अच्छा रहता है, ठीक है। हमारे साथ पीली मारबत के जो अध्यक्ष है प्रकाश गौरकर जी, जिनसे हम बात करेंगे कि ये जो मान्यता है पीली मारबत की किस प्रकार की है और कब से चली आ रही है, इंडिपेंड आज़ादी की लड़ाई में भी इसका एक योगदान रहा है, महत्व रहा है, जिसके बारे में हम बात करेंगे। प्रकाश जी, आप मुझे बताइए कि कब से ये जो पीली मारबत का त्यौहार है ये मनाया जाता है और किस लिए? पीली मारबत का त्यौहार 1885 से मनाया जा रहा है, उस समय जो अंग्रेजों का ज़माना था, और ये जो पीली मारबत का उत्सव उस बेस से निकला हुआ है कि मारबत इन्हें बारिश के मौसम में जो होता है एक रोग राई लगती है, और रोग राई को लेके जाने के लिए ये मारबत उत्सव जो है ये छोटे पैमाने में मनाया जाता था उस वक्त में, कि ये मेढे रहते पलस के पान आते और पलस के पान और छोटी मूर्ति बनाई जाती थी, तो एक किसान लोग जो और ये जो घर घर में जो है मूर्ति बिठाई जाती थी। अंग्रेज़ों का जो ज़माना था, अंग्रेज़ों के ज़माने में ये अपने जो देश को रोग राई लगी थी इसको कैसे निकालना, इस माध्यम से मारबत के पूजा इसका निर्माण हुआ, और उससे उस वक्त से 1885 से निर्माण होते हुए अभी 137वां साल है, उस वक्त से ये परंपरा चलते आ रही है, न खंडित होते हुए चलती रही है। 137 साल जो पूर्ण हुए हैं इस त्यौहार को,
हर साल इसी तरह यह माहौल रहता है। अभी 2 साल से जो है कोरोना शुरू है, 1 साल से, तो इसमें क्या लोगों की भीड़ कम हुई है, श्रद्धा कम हुई है, आपको क्या लगता है? नहीं, लोगों की श्रद्धा कम नहीं हुई है, पर कैसा था कि मंडल ने ऐसा निर्णय लिया, पिछले साल कोविड का बहुत ज़्यादा पोजीशन बेकार थी, तो मंडल ने जो तो मिरोनुक का जो प्रोग्राम रहता, मिरोनुक जो ये निकालते हैं वो मिरोनुक अपन ने निकाले नहीं, क्योंकि मिरोनुक का जो है 3 पुलिस स्टेशन के अंतर्गत था, यहाँ पे पाँच पावली से अपना गोलीबार चौक, गोलीबार चौक से नेहरू पुतला, ऐसा पूरा और काली और पीली मार्बत का उसका मिलन होता, ऐसे वहाँ शहीद चौक होते हुए गांधी गेट, ऐसा पूरा शहर घूम के यहाँ आती है भारत माता चौक से यहाँ आती है, और यहाँ आने के बाद में नाइक तालाब दहन भूमि जो है उसकी वाली, वहाँ उसका विसर्जन होता। इसमें भारी तादाद में इतनी पब्लिक क्राउड, यानी उस वक्त यह समझ लो कि नागपुर शहर पूरा बंद रहता, और बाहर से, देश से ऐसे काफ़ी तादाद में पब्लिक आती, और ये उत्सव इतनी बड़े पैमाने से होता, लोगों की श्रद्धा इस पर बढ़ गई। इसके कारण ऐसा होता कि उसको क्राउड न हो, इसलिए हमने मंडल ने ही इसका निर्णय लिया कि इसको अभी ये साल मिरोनुक करना नहीं है, और ये साल भी अपन ने वैसा ही किया कि ये साल भी अपने को मिरोनुक निकालेंगे नहीं, बाकी इसका निर्माण कार्य जहाँ होता है, इसकी दहन भूमि जो है यहाँ से 200 मीटर दूरी पे है, वहाँ उसका दहन संस्कार करेंगे हम लोग। आपने कहा कि 1800 से जो है यह परंपरा चलती आ रही है, तो कभी ऐसा हुआ क्या कि इसको खंडित हो गई या फिर किसी कारणवश इसको नहीं मना सके? नहीं, उत्सव तो हर साल मना, थोड़ी बहुत बाधाएं आई, कभी ऐसा हो गया कि बिजली की तार के उसकी वजह से, बाकी अभी खंडित कभी नहीं हुई, कभी एक भी साल ऐसा खंडित वाला नहीं हुआ, और पिछले साल भी इतना कोरोना का आया था तो भी हमने यहीं यहाँ पे विसर्जन का काम किया, खंडित नहीं। हर यहाँ पे मान्यता है, बहुत से लोग जो है दर्शन के लिए आते हैं, हजारों की भीड़ दिखी जाती है, अभी भी महिलाएं जो है दर्शन के लिए भीड़ लगाई हुई है, तो ऐसे में आप किस तरह से ये इसका पूरा मैनेजमेंट होता है, कैसे देखते हैं? नहीं, मैनेजमेंट तो ऐसा है कि यहाँ पे युवक मंडल भी, हमारे कमेटी है, ट्रस्ट है इसमें, तो आने जाने वालों की व्यवस्था पूरी तरीके से हैंडल करते हैं, और हमारे मंडल के तरफ से किसी को पूजा अर्चना करना या नहीं करना है इसके बारे में कभी कुछ नहीं रहता, कि आते हैं उनकी श्रद्धा है उनके वजह से आते हैं, बाकी ऐसा कुछ। इसी के आसपास जो है काली मार्बत का भी पेंडल है, हम काली मार्बत भी देखेंगे, जो है देखने जाएंगे। पीली मार्बत का एक इतिहास में अपना एक महत्व है, आज़ादी के लड़ाई में इसका एक महत्व है, लोगों को एकत्रित करने के लिए इसका निर्माण किया गया था 1800 में, जहाँ से अभी तक ये परंपरा लगातार जो है 45 सालों से जो है चली आ रही है। पीली मार्बत की तरह ही नागपुर में काली मार्बत का भी एक महत्व है, हम काली मार्बत के पेंडल में अभी है, जहाँ पे हम जानेंगे काली मार्बत की शुरुआत कहाँ से है और उनकी मान्यता क्या है, कब से ये मनाया जा रहा है, ये त्यौहार के रूप में इसको भी मान्यता है। मुझे बताइए कि ये काली मार्बत है, कब से मनाया जा रहा है काली मार्बत का त्यौहार, और इसके पीछे का उद्देश्य क्या है? ये 141 वर्ष है मार्बत का, 131 साल से इस मार्बत उत्सव को मनाया जाता है। मार्बत उत्सव मनाने का जरिया यह था कि मार्बत अंग्रेज के ज़माने में जनता को एक नहीं होने दिया करता थी, तो उसी के माध्यम से बकाबाई ने जो विरोध किया था, अंग्रेज के साथ मिली थी, उसका निषेध करने के लिए यह मार्बत का निर्माण किया गया था। ये बकाबाई कौन थी और अंग्रेज के साथ मिल गई थी ऐसा कहना है आपका, तो उनका क्या था, ये यहाँ की रहवासी थी और मिल गई थी, यानी क्या था, क्या हुआ था? बकाबाई राजा की बहन थी और वो अंग्रेज के साथ मिलने के वजह से जनता ने उनका विरोध किया था कि मार्बत के विरोध करने के जरिए थे मार्बत का निर्माण किया गया था, और निर्माण इस वजह से किया था कि किसी को लगे ना कि जनता एक हो, तो इन्होंने भगवान कृष्ण की प्रतिमा का वो पुतना का उदाहरण दे के उसका निषेध किया गया था मार्बत का। आपने कहा कि 141 साल इस पूरे इसको हुए हैं, पीली मार्बत का भी जो है निर्माण होता है हर साल, पीली मार्बत और काली मार्बत का मिलन होता है, तो ये परंपरा किस प्रकार बनी और ये यानी इसके पीछे का उद्देश्य क्या है? भगवान श्री कृष्ण ने जब स्तनपान किया था पुतना का, तो उन्हें मौसी कहा आता था, मौसी के रूप में उन्हें माँ ने उसका वो देवी रूप उसको दिया था कि देवी का रूप दिया था, इसलिए उनके पूजनीय चालू किए। अभी 4-5 दिनों बाद जो है पोला है, तो ऐसे में पोले के दिन, छोटे पोले के दिन इसकी एक मान्यता है, तो तब क्या त्यौहार मनता है, कितने सालों से ये होते आ रहा है और उस दिन क्या होता है? उस दिन मार्बत को यानी
उस जमाने में जो मारबत को गांव के बाहर जलाया करता था, तो लकड़ागंज पहले गांव के बाहर था, इतवारी गांव के बाहर था, तो बाहर उसको जलाया जाता था। उसका कारण ये था कि मारबत रहने से यहाँ रोग राई रहती थी, यानी जिसका वहाँ विशाल का शरीर था पुतना का, वो ऐसा उठा नहीं सकते थे, तो उसको उसकी बीमारियाँ फैल रही थी। बीमारियाँ फैलने की वजह से इसका दहन करना ज़रूरी था, तो इसे उठा के गांव के बाहर इससे दहन किया गया था। ये उस जमाने से जैसे प्रथा थी, वही प्रथा के हिसाब से चलते आ रहा है, और इसे देवी रूप जान के और सभी मनोकामना पूर्ण होती है करके लोग इनकी पूजा पाठ करते हैं। और गोकुल कृष्णमी यानी अष्टमी के बाद इनका 8 दिन के बाद में दहन होता है। श्री कृष्ण भगवान के साथ इस मान्यता को जोड़ा जाता है, बाकाबाई नाम की जो राजा की बहन थी उससे भी जोड़ा गया है। बहुत सारी लोक मान्यताएँ कथा है और लोगों की वह श्रद्धा है, जिस वजह से 131 साल से काली मारबत का यहाँ पे जो है 141 साल से काली मारबत का यहाँ पे निर्माण हो रहा है। और इसी तरह ये जो त्यौहार है, त्यौहार लोक उत्सव है, वो मनाया जा रहा है। इस साल 141वां साल है, इस अभी कोरोना काल भी शुरू है, ऐसे में आप किस तरह से ये त्यौहार मना रहे हैं? लोगों का भीड़ कम हुई है कोरोना की वजह से, या फिर श्रद्धा में कमी आई है, या फिर सरकार की बहुत सी गाइडलाइन है उसका किस तरह से आप पालन कर रहे हो? सरकार की गाइडलाइन का पालन होगा, और श्रद्धा का ये सवाल है कि भीड़ तो रोज हो रही है, पर कोरोना काल की इस वजह से आपसे सबको हम उसको अपने एडजस्ट कर रहे हैं। और मारबत का जब यहाँ मिलन होता है तो उस समय लाखों से ऊपर पब्लिक यहाँ जमा होती है इतने एरिया में, कि बुधवारी से लेके शहीद चौक तक के लाखों 5 लाख तक के पब्लिक रहती है, जो बहुत रहती है। तो कोरोना काल की वजह से पिछले साल हमको मारबत का जला यहाँ से कुछ दूर में ही दिया था हमको जलाने का आदेश, तो हमने जलाए थे पिछले साल। इस वर्ष पता नहीं सरकार क्या गाइडलाइन देती है, सरकार से हम कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा इसको घुमाने की प्रेरणा दे या मिलन की ऐसे दे जिसमें उत्साह में लोगों की कमी ना आए और यूं ही जोश बना रहे। तो अभी इसको जलाने का फैसला आपने कैसे लिया है? इसी तरह भीड़ के बीच में जलाएंगे या फिर सरकार की गाइडलाइन आने की राह दे? भीड़ को तो हम एडजस्ट कर लेंगे, जैसे भीड़ को हम रोकते हैं बाहर में, और पुलिस प्रशासन भी हमें सहयोग करती है, जिससे कि हम मारबत को एकांत में ज़्यादा लोग नहीं रहते, तो उस हिसाब से हम बगीचे के अंदर निर्वयक संगठन है वो बगीचे के अंदर हमें दहन करते हैं, जिसमें कि अंदर तो लोग आते नहीं, चौथे से पैक है, तो हम 25-30 लोगों के ऊपर हम दहन नहीं करते। तो जैसे पहले लकड़गंज में दहन करते थे, वहाँ पे भी हजारों लाखों पब्लिक रहती थी, बहुत भीड़ मजमा रहता और सब देखने का उत्साह के हिसाब से आते थे। हजारों की भीड़ में पहले यह त्यौहार मनाया जाता था, लोगों की भीड़ होती थी। भलाई कोरोना 2 साल से अभी चल रहा है, 2 साल होते आए हुए कोरोना को, मगर इसकी जो है लोगों की श्रद्धा में और त्यौहार के उत्साह में कोई कमी नहीं आई है। और इस तरह इस साल भी कोरोना गाइडलाइन का पालन करके यह त्यौहार मनाया जाएगा, ऐसा यहाँ के जो लोग हैं, जो सदस्य है समिति के, उनका कहना है। कैमरा पर्सन दिलेश के साथ मैं प्रकाश शुंकलवार, महाराष्ट्र TV 24 नागपुर।